500 वर्षों में कितने लोग आए और यहाँ दुनिया से निकल गए, किसी ने ये काम कर दिखाया? नहीं हो पाया आज तक। आज पहली बार ऐसे अवसर आए हैं, आज मोदी और योगी के कारण हम लोग आज चल पा रहे हैं। भैया हम तो उनको ही मानेंगे ना, आज हम यहाँ आकर के बोलने के लिए क्यों तैयार हैं? आज एक डर है कि लड़की को अगर छेड़ेंगे तो पटक के तोड़े जाएंगे यहीं पे। राहुल गांधी कहते हैं चुटकी में हमारी सरकार आई तो चुटकी में हम महंगाई दूर कर देंगे। अरे भैया 60 साल में तो चुटकियां इतनी बजी कि अभी तक साली चुटकी नहीं पूरी हुई है। ये चुटकी कब आएगी? 60 साल तक तो वो चुटकी बजी नहीं, अब कौन सी चुटकी बजने वाली है 60 साल बाद? कैसे राहुल गांधी विश्वास नहीं कर रहे? कह रहे हम आएंगे तो महिलाओं के 1-1 लाख रुपए देंगे। झूठ है। चाहिए 1 लाख? हमें 1 लाख रुपया नहीं चाहिए। हमारे मोदी जी के सरकार में हम लोग सब बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि उनका विकास होता रहे। वो हम लोग को महिलाओं के लिए बहुत सारे रोजगार आरक्षण ला के दिए हैं अब मोदी जी, और उनके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं गया बिहार से आई हूँ यहाँ पे। बिहार में लालू जी की सरकार तेजस्वी की सरकार होगी। अब मोदी छुट्टी नहीं 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 हम लोग तो मोदी जी के देंगे। अभी सरकार चेंज होगी, अभी माननीय मनीष कश्यप जी वहाँ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, और जो कि चंपारण में मैं देख रहा हूँ लोकल न्यूज से बहुत अच्छा है। दूसरी चीज आप कह रहे थे युवा की परिभाषा क्या है, मतलब 57 साल का राहुल गांधी युवा हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए युवा आप कितने साल के भाई साहब? 28 साल के। ये युवा होंगे कि 57 साल वाला युवा है? अखिलेश यादव कितने? मन से क्या युवा होता है? मन से क्या युवा होता है? एज युवा होता है, सेसो अवस्था, पौड़ा अवस्था, युवा अवस्था, हर चीज की अवस्था होती है। मन से क्या युवा होता है? मन से तो मोदी जी भी दिल से राम को लेके आए। इसमें कौन सी राम जोड़ो यात्रा किया? तो कौन भारत न्याय यात्रा किया? कौन भारत टूटा था? न्याय यात्रा दिला रहे? अरे किसके साथ न्याय हुआ बताओ हमको 10 साल में किसी के साथ? अरे न्याय अब हो रहा है लोगों के साथ, राम मंदिर के साथ साथ सामाजिक न्याय हो रहा है यहाँ पे लोगों के साथ। किसके साथ अन्याय? और भारत जोड़ो का मतलब है भैया कि अब जा करके हमारा देश विकास कर पाया है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे शुभ अवसर पे अब हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं। ठीक है, ये बात आपका भी मत कहना। हम मोदी और योगी पे घमंड करते हैं, हमें उन पे नाज है। हम अपने आप को बहुत ही धन्य मानते हैं भैया जो ऐसे शुभ अवसर पे हम यहाँ आ पाए हैं। ठीक है, ऐसा हम अपने आप को इस जीवन का ही पूरा धन्य समझते हैं कि जो ऐसे मोदी और योगी के माध्यम से इस चीज को हम लोग आज कृतार्थ कर पाए हैं। धर्म की अफीम चटाई जा रही है लोग। धर्म की अफीम नहीं है भैया, ये भगवान शुरू से थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये धर्म और धर्म की धर्म की बात नहीं हो सकती भैया, ये धर्म की बात नहीं है। शुरू से ही धर्म प्रधान था, धर्म आज भी है और कल भी रहेगा भैया। हम ब्राह्मणों को दबाया जाता है कि बोलिए मत, ये मत करिए, वो मत करिए। आज ही हम लोग को बोलने का अवसर मिला है, हम लोग बोल पाते हैं खुशी खुशी से कि चलो ऐसे अवसर पे हम कम से कम। ताला किसने खुलवाया था? ताला की बात छोड़िए भैया, ताला का तो कांग्रेस ने खुलवाया था। अरे असली 500 वर्षों में कितने लोग आए और यहाँ दुनिया से निकल गए, किसी ने ये काम कर दिखाया? नहीं हो पाया आज तक। आज पहली बार ऐसे अवसर आए हैं। हमेशा के लिए मोदी और योगी के हैं। किस लिए हैं? इसलिए नहीं, भगवान के वो हैं, इसलिए हम उनका भी चरण स्पर्श करते हैं। मैं भी करूंगा उनके। अच्छा, में कोई नेता नहीं है जो भगवान? देखिए भैया, ये देखिए मंदिर नहीं जाते, सुनिए सुनिए, हर देवी देखिए हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। लोग कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने आज तक ये कर दिखाया? किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया भैया, किसी ने ये काम नहीं किया जो मोदी और योगी के माध्यम से आज हो पाया है। हम लोग ऐसे अवसर पे पाए हैं यहाँ पे। चुनाव था इसलिए राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। यहाँ चुनाव की कोई बात नहीं है भैया, मन में राम होना चाहिए, हृदय में राम है। यहाँ चुनाव की तो कोई बात ही नहीं है भैया, ये चुनाव नहीं है भैया, ये हमारा खुद का है भगवान, सबके हैं, जो मानता है सबका है भगवान। हिंदुस्तान के यादव भी तो भगवान को मानते हैं। अरे भैया ऐसे ऐसे मानने वाले लोग हैं कि अब कहलवाइए मत सारी बात को। क्या कह दे, आपको भी पता है इस बात को?
आपको भी पता है कि आप घर चले गए तो बुरा हो गया। क्या बात कह रहे हैं आप? यादव राम भक्त पर गोली चलाते हैं और मोदी जी योगी जी लोगों के लिए कारपेट बिछाते हैं, ये फर्क है। देखिए सरकार में कैसे प्राप्त हुआ, कैसे हुआ? आज मोदी और योगी के कारण हम लोग आज चल पा रहे हैं भैया। हम तो उनको ही मानेंगे ना, हमें नहीं पता किसी को, हम नहीं जानते किसी को। जो हमें देता है प्रोटेक्शन, हमें देता है जीने का सहारा, वही मेरे लिए सर्वस्व होता है। ठीक है, वही है मेरे लिए, जो हमें चलने के लिए खुला नहीं थी, नहीं थी, कहाँ थी, मजबूरी बच नहीं पाती थी भैया। खुल्ली में खुल्ला लोग पंगा दे के चले जाते थे, आज तक क्या हुआ, क्या किया गया? लोग दबा देते थे, ऐसी चीजों को लोग दबा देते थे कि कोई बात नहीं है, जाने दो, हटो, स्त्री है उसको छोड़ो। आज हम यहाँ आकर के बोलने के लिए क्यों तैयार हैं? आज एक डर है कि लड़की को अगर छेड़ेंगे तो पटक के तोड़े जाएंगे यहीं पे। आज कोई नहीं बोल सकता, और तब ऐसे लोग करवा करवा करके उस चीज को दबा देते थे। पर ये तानाशाह को खत्म करना इस देश से। हाँ, अब राम राज आएगा, जीवन में कोई नहीं हटा, अब राम राज आएगा। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं भैया कि हमेशा ये लोग ऐसे हमारे बीच से युवा निकलते रहे। रहने वाली हम बस्ती जिला के हैं भैया। जी जी, अखिलेश यादव को जानती है? बिल्कुल जानेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं इस तानाशाह मोदी और योगी को हटाना है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव को हम नहीं जानते भैया। आज तक अखिलेश यादव कहाँ थे? मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री को हमें नहीं चाहिए जो कुछ करना दिखाए। क्या किए आज तक हो, क्या किए? पैसा देंगे अगर हमारी सरकार दे दे भैया। लैपटॉप, लैपटॉप लेकर ये बच्चा क्या करेगा? इसको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। लैपटॉप बांटने, लैपटॉप होने से नहीं होता है सब कुछ। लैपटॉप होने से, साइकिल बांटने से ये सब होता है? नहीं होता है, विकास विकास होता है भैया। ठीक है, ऐसे हम तो हर युवा को प्रणाम करते हैं जो हमारे बीच से निकल करके भैया ऐसी जगह पे ऐसी चीजों को कर दिखाते हैं। हम सबको नमन करते हैं हृदय से। राजनीति की धार्मिक रोटी सेक रहे हैं? ना ना ना, यहाँ राजनीति नहीं है भैया। देखिए, राजनीति को साइड में रख करके बात कर रहे हैं हम। यहाँ बीच में राजनीति मत डालिएगा, यहाँ राजनीति की बात नहीं है। हम सिर्फ देवी देवता को जानते हैं और हर श्रद्धालु को जानते हैं। जो भाई बहन इतने खड़े हुए हैं आज यहाँ पे, वो कल इस चीज के लिए तरस रहे थे, कितने आए कितने चले गए, चले गए ना, हृदय में आस्था लेके ऊपर चले गए, नहीं हो पाया। मोदी किसी ने, मोदी योगी ने किया। आज भाई लोग नहीं होते सपोर्ट में मोदी योगी के, हम तो सारे लोग का धन्यवाद करते हैं, सारे लोग का धन्यवाद करते हैं भैया। मोदी ड्रामा करते हैं, काम तो नहीं करते हैं भैया। हमें तो उनपे फक्र है, हमें उनपे फक्र है। बाकी भाइयों लोगों से पूछ लीजिए आप। 80 की 80 सीट पे अखिलेश यादव कहते हैं मोदी योगी को भगाना है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं जाने देंगे अपने हृदय से मोदी योगी को। धन्यवाद देते हैं ऐसे अवसर पे हम आ पाए हैं। आज पहली बार तिलक हुआ जब से भगवान का स्थापना हुआ, ऐसे चीजों के लिए तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो हम जीवित हैं, जो हम देख पाए। धर्म से कौन अलग रह सका है? कोई इंसान है सिटी में भैया ना भाई, तो धर्म से अलग आदमी रह ही नहीं सकता। इसमें राजनीति वाली बात ही नहीं। राजनीति तब है कि हर आदमी कोई भी हो धर्म से अलग है, तब तो हम कहेंगे ये बंदा धर्म की बात कर रहा है, राजनीति की बात कर रहा है। अरे धर्म जब आदमी से अलग ही नहीं है तो धर्म की क्या? विकास जब कोई किसी चीज़ का होता है तो धर्म की बात थोड़ी होती है। अब यहाँ मंदिर बना, इसमें धर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये तो सबकी आस्था का है और सबके लिए है, और ये बना है। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि सदियों से हम इंतज़ार में थे और आज हम उसके दरबार में हैं। कह रहा है इंतजार में, तो बीजेपी का इसमें क्या रोल है भाई? अरे भाई, हमने हमने ये पार्टी का तो किसी का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहती है कि जो राम को लाए हैं वो प्रचार करती है, हम उनको लाएंगे। राम को ला सकते हैं क्या? देखिए, हमने पार्टी का तो सुना नहीं है। ये तो सिंगर का गाया हुआ गीत है। अब बिल्कुल मैं ये आप बता दूं, ये बिल्कुल ये तो एक सिंगर का गाया हुआ गीत है, और सिंगर का अपने मन की बात होती है, वो जो को मर्जी कह सकता है। मैं भी एक सिंगिंग लाइन में करता हूँ। अब मेरे को कोई अच्छी की लाइन आ जाएगी तो मैं उसको लिख के गा दूंगा। ये किसी पार्टी का वो शब्द नहीं, वो तो मेरे मन की बात है ना। और हाँ, सिंगर ने गाया, अच्छा गाया, उसके मन की भावना थी कि अच्छे के भी जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये उनकी भावना थी, उन्होंने दुनिया को फंसाया। चलिए, भावना से लोग सहमत है, ताली बज रही है। एक बात हमको समझाइए कि भावना से सहमत है, ठीक है, बातचीत अपनी जगह है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नेता हैं, विपक्ष में बैठते हैं, जब वो मुख्तार अंसारी के घर चले जाते हैं तो यहाँ चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है, और योगी मोदी जी यहाँ आते हैं तो चर्चा का बाजार दूसरे हिसाब से हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?
देखिए ऐसा है कि राजनीति है, हर आदमी किसी ना किसी जगह पर अपना गढ़ बनाना चाहता है। अब अखिलेश जी को लगा कि मैं वहाँ जाकर मुझे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, वो वहाँ चले गए। अब वो जिनको ये लगता है कि हम दरबार में आएंगे हमें बेनिफिट मिलेगा, वो यहाँ आ जाते हैं। ये सब एक राजनीतिक है, राजनेताओं की इन बातों से अब पब्लिक को कोई लेना देना नहीं। पब्लिक को इतना पता है जहाँ वोट डालनी है हमने वहीं डालनी है, कोई कहीं मर्जी जाए। कहाँ डालनी है? 10 साल में कुछ हुआ क्या? अरे 10 साल में क्या नहीं हुआ, क्या हुआ? अरे हैं 10 क्या नहीं आया ये बताइए। देखिए मैं बताऊं, देखिए आज कई बार वो पार्टी वाले कह देते हैं कि मोदी जी गरीबों को राशन बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं मुफ्त में, लेकिन आप जानते हैं जब पहले सरकारें थी करोड़ों का अनाज FCI गोदामों में सड़ जाता था, गल जाता था, ना किसी के खाते में आता था, वो लोगों के यानी के ट्रकों में भरकर अमीरों के घर चला जाता था। बड़े बड़े जो ठेकेदार थे वो रातों रात निकाल लेते थे, वहाँ क्या रह जाता था, खाली सड़ा हुआ दिखा देते थे वही अनाज। लेकिन आज किसी ना किसी के मुंह में तो जा रहा है, वेस्ट तो नहीं जा रहा, हम तो ये अच्छी कहते हैं कि यानी कि अच्छा किया जो वो अनाज जो गलता था सड़ता था। रोजगार चाहिए भैया, ये 5 किलो अनाज की हमें आवश्यकता नहीं। देखिए जी, देखिए जो युवा कहता है ना कि मुझे रोजगार चाहिए, तो देखिए मैं उस युवा को कहना चाहता हूँ, अगर आप ये इंतजार में रहोगे कि मुझे 20,000 वाली नौकरी मिले और मैं 8,000 वाली ना करूँ, तो आप ये आपका आपकी नथिंग सोच सही नहीं है।